हालांकि अब अब मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू बैंड में आ गया मे बी नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड इज अ फेयर वैल्यू बैंड फॉर टाटा केमिकल और एक जो अपमू आया था बिकॉज ऑफ दैट आईपीओ टाटा सन्स के आईपीओ के चलते अब जाके कहीं ये अब नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड के बैंड में अभी स्टेबिलाईज होना चाहिए नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड के बैंड में स्टेबलाइज होना चाहिए नजर रखते हैं टाटा केमिकल्स जितनी तेजी से गया था ऊपर उतनी ही तेजी से नीचे भी आपको आते हुए दिखाए फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं आज आठ परसेंट का तो रीसेंट डेज में आई थिंक जिस दिन खबर आई थी आ, कि शायद टाटा सन्स की आईपीओ नहीं होगी उसके बाद की सबसे बड़ी गिरावट आज आप इस काउंटर में आते हुए देख रहे हैं तो प्रेशर इस पर बन रहा है